बेसिक विभाग बड़े हलचल के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बड़े आदेश शिक्षा मित्रों, अध्यापकों और अनुदेशकों, प्रधानाध्यापकों, सभी के वेतन को जो है वो रोक लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक एक आदेश की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक विभाग से जुड़ी सारी खबरों को जो है समय समय पर चलाया जाता रहता है, अपडेट करा जाता रहता है। तो हो सकता है आपका अपडेट इसी चैनल से बराबर मिल जाए, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ साथी अभी भी देख रहे हैं, तो आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो तो हम आपको पूरी बता ही देंगे सारी खबर क्या है। देखिए, इस खबर को यहाँ से हम आपको बताते हैं। आप सभी अवगत हैं कि वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का नामांकन बढ़ाए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने एवं प्रत्येक विद्यालय हेतु वर्तमान शैक्षिक सत्र में कुल इतना नामांकन लक्ष्य बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ स्तर से निर्धारित किया गया है। जो शैक्षिक सत्र 2021-22 में नामांकन से इतना अधिक है। खेद का विषय यह है कि विभागीय समीक्षा करने पर अभी भी जनपद को आवंटित नामांकन वृद्धि लक्ष्य के सापेक्ष प्रेरणा पोर्टल पर मात्र इतने का लक्ष्य जो है अभी अपलोड किया गया है, जो कि किसी भी स्तर से संतोषजनक नहीं है। साथ ही उपरोक्त लक्ष्य प्राप्ति की समय अवधि भी निकट है, यानी कि 30/4/2022 तक। साथ ही हाउस होल्ड सर्वे का कार्य भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जनपद में नामांकन वृद्धि लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप द्वारा सम्यक प्रयास नहीं किए गए हैं, जो कार्य के प्रति शिथिलता का द्योतक है। अतः एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्यालयों में आवंटित नामांकन का लक्ष्य प्राप्ति होने तक जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक संसाधन केंद्र में कार्यरत स्टाफ, SRG, ARP, प्रसिद्धि विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, और इसके बाद प्रधानाध्यापक जो होते हैं, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी के वेतन जो हैं वो अवरुद्ध किया जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा का यह आदेश है। उसके साथ साथ और भी जनपदों के हम आदेश ये आप अपने स्क्रीन पे देखें। ये हमीरपुर का है, यहाँ पे देखेंगे 27 अप्रैल, और यहाँ भी जो है वेतन को रोकने का, यहाँ पे देखेंगे वेतन रोकने का आदेश है। इसके साथ और भी जिलों का देख जिला आप यहाँ देखें, ललितपुर का 26 अप्रैल का आदेश है, और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी वेतन को जो है रोकने का आदेश है। तो कुल मिला जुला के शुरुआत हो चुकी है। जिन जिलों में अभी प्राइमरी विद्यालयों पे बच्चों का जो लक्ष्य है, अगर उतना एडमिशन नहीं होता है तो वेतन सीधा रोक दिया जाएगा, तब तक जब तक कि जो है बच्चों की संख्या जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ी पहल है ये सरकार की कि आप नामांकन का जो रेशियो है उसको पूरा करें, इसके बाद आप जो है पेमेंट उठाएं। तो ये बड़ी खबर है, और भी चीज़ें निकल के आएंगी तो मैं बताऊँगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।